नमस्कार दोस्तों, हम आए यहाँ पे बताने टीम्स की प्लेइंग 11 है ना। तो निशान बताएंगे तो मैं भी बता देता हूँ कुछ अपनी प्लेइंग 11। तो मैं पांच टीम्स की प्लेइंग 11 बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स का नाम, ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स टीम काफी अच्छी है, ऋषभ पंत मुझे लग रहा है वापसी कर लेंगे इस बार। तो टीम कुछ इस प्रकार बनी है, पृथ्वी शॉ अभी थोड़ी इंजरी में है तो पर सब्जेक्ट टू फिटनेस इनको मैं डाल रहा हूँ। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत अगर वो फिट रहते हैं तो आई होप सो फिट हो जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड। हैरी ब्रूक, ललित यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ठीक है, मुकेश कुमार, एंड्रयू चुनौती और खलील अहमद, ये रही मेरी प्लेइंग 11। फिर आते हैं पीबीकेएस का हम लेते हैं शिखर धवन और जॉनी बेरस्टो की ओपनिंग जोड़ी। उसके बाद प्रभसिमरन सिंह, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, सैम करन, ऋषि धवन और हरप्रीत ब्राड में स्लैश लगाना पड़ेगा आपको। मैंने एक ऋषि धवन और हरप्रीत ब्राड में स्लैश लगाया, ठीक है। उसके बाद हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा, राहुल चहर और अर्शदीप सिंह, ये रहेगी मेरी प्लेइंग 11 पीबीकेएस की। तो डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो देखो, ओपन करने आएंगे ऋतुराज और कॉनवे। कंफर्म कर दिया सीएसके के सीईओ ने कि भाई रचिन रविंद्र ओपन नहीं करेंगे ना हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये दो जो सेट है वही सेट रहेंगे। नंबर तीन पे आप लेके चल सकते हो रहाणे को। जो लोग सोच रहे हैं मोइन अली, रचिन रविंद्र, आई डोंट थिंक महेंद्र सिंह धोनी किसी नए प्लेयर को लेके आएंगे इतनी जल्दी। रचिन रविंद्र को जो यंगस्टर है रहाणे को वो बैक करेंगे, एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे। रहाणे का फॉर्म अच्छा था पिछले सीजन भी, आप देखते हैं इस सीजन क्या करते हैं। तो नंबर तीन पे रहाणे होंगे, नंबर चार पे शिवम दुबे, एक लेफ्टी चाहिए आपको। नंबर पाँच पे डैरल मिचेल को मैं रखना चाहूँगा। अगर चेन्नई सुपर किंग्स मोइन अली को रखती है तो मैं सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं हूँगा, क्योंकि अगर वो चाह रही है कि भाई हम उसी फॉर्मेट के साथ जाएँ जो हम पिछले सीजन गए थे तो हो सकता है। बट मैं चाहता हूँ यार आप डैरल मिचेल को रखो, क्योंकि मोइन के भी फॉर्म है नहीं। हाँ, मोइन थोड़े से हैंडी है, एक बढ़िया स्पिनर है, आपको एक ऑप्शन दे देते हैं चपॉक के अंदर। बट टीम को सोचना चाहिए डैरल मिचेल की तरफ भी, क्योंकि वो भी बॉल डाल सकते हैं स्लोअर वंस भी चपॉक के अगर आप बात करो तो। मैं नंबर पाँच में मेरा पर्सनली मैं चाहूँगा कि डैरल मिचेल हो, नंबर छः पर रविंद्र जडेजा, नंबर सात पर महेंद्र सिंह धोनी, नंबर आठ पे होंगे शार्दुल ठाकुर, नंबर नौ पे दीपक चहर, नंबर दस पे महेश दीक्षाना और ग्यारहवें नंबर पे होंगे मतीसा पतिराने। ये इनकी प्रॉपर प्लेइंग 11 होने वाली है। इंपैक्ट प्लेयर की अगर आप बात करो, अगर आप कोई बॉलर रखना चाहते हो तो मुकेश चौधरी होंगे। ये अगर टीम सोचे कि भाई हमें एक और ऐसे हैंडी बैट्समैन को लेके आना चाहेंगे जो मैच फिनिश कर सकते तो समीर रिज भी हो सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आप बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा चुनोगे, क्योंकि आपकी बॉलिंग प्रॉब्लम अभी भी है, डेथ बॉलिंग इशू जो अभी भी चल रहा है वो है। हाँ ठीक है, अगर उस मुस्ताफिजोर है, पथिराना है, वो है, बट ठीक है, थोड़े से अनसर्टिनिटी और डाउट्स रहते हैं टीम के अंदर, बाकी बहुत बढ़िया टीम है। अगर आरसीबी की आप बात करो, इसकी ये जो जर्सी है इसकी अगर प्लेइंग 11 में बताऊं तो फैफ ओपन करेंगे विराट के साथ, नंबर तीन पे आ जाएंगे रजत पाटीदार, नंबर चार पे होंगे मैक्सियर, मैं कैमरन ग्रीन को रखूंगा नंबर चार पे, नंबर पाँच पे होंगे दिनेश कार्तिक, नंबर छः पे मैक्सी, ऊपर नीचे होता रहेगा वो, नंबर सात पे आ जाएंगे मयंक दागर, जिनको इन्होंने शाहबाज अहमद को देके मयंक दागर को लिया, जो विराट कोहली की तरह दिखते हैं देखने में थोड़े बहुत, जो हैदराबाद की टीम में थे, अच्छे प्लेयर हैं, हाँ डिसेंट प्लेयर हैं, मयंक दागर हो जाएंगे। नंबर आठ पे आपके हो जाएंगे मनोज बांगड़े करके एक क्रिकेटर है डोमेस्टिक के, तो वो आ सकते हैं। और 9, 10, 11 पे आप बात करो तो आप रख लो सिराज को, 10वें नंबर पे आ जाएंगे आपके अल्जारी जोसेफ स्लैश लॉकी फर्ग्यूसन, मैं लॉकी फर्ग्यूसन को ज़्यादा चांस दूंगा अल्जारी जोसेफ की जगह। और 11वें नंबर पे आ जाएंगे यश दयाल। और अगर आप उसकी बात करो इम्पैक्ट प्लेयर की, तो सुयाश प्रभु देसाई को आप खिला सकते हो अगर आपको कोई बैट्समैन चाहिए तो। अगर आपको किसी बॉलर को इम्पैक्ट प्लेयर रखना है स्पिनर, तो आप ट्राई कर सकते हो कर्ण शर्मा को, वो आपके साथ बहुत सालों से हैं, आप उनको थोड़े मैचेस खिलाओ रेगुलरली, आप एक दुख के मैच के अंदर ही आप उनको खिलाते हो। फिर आते हैं हम राजस्थान रॉयल्स की तरफ। तो रजवाड़ों की ये टीम है, अब देखते हैं किस पर इस बार देवदत्त पड़िकल को रिलीज किया है, पता नहीं क्या झंडे गाड़ते हैं इस बार, देखते हैं एक बार। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर की ओपनिंग जोड़ी पिछली बार की सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी में से एक थी, ठीक है। दूसरी चीज, फिर तीसरे पे आते हैं सैमसन, चौथे पे हेटमायर, फिर आते हैं पांचवें पे ध्रुव जुरेल, छठे पे लॉर्ड पराग। अब आप बोलेंगे रोमविन पवेल का नाम मैंने नहीं लिया, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लिया। फिर आते हैं आपके अश्विन, चहल, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, एक आखिरी फॉरेन प्लेयर बचता है उसमें मैंने एक बॉलर को लिया है नांद्रे बर्गर का रीजन क्योंकि हमारे सवाई मानसिंह स्टेडियम में यहाँ पे जो इनिशियल ओवर्स में क्या स्विंग बड़ी अच्छी खासी करती है, तो नांद्रे बर्गर इनिशियल पोजीशन में विकेट निकाल सकते हैं। फिर भी ऐसे हुआ तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर रोमविन पवेल खेल सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ, मुंबई इंडियंस मेरी फेवरेट टीम, तो इसकी प्लेइंग 11 तो सबसे बेस्ट बनानी बनती है। रोहित शर्मा, ईशान किशन ओपन करेंगे, तिलक वर्मा, फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव, और पांचवें पे हमारे सो कॉल्ड कैप्टन पांड्या, टिम डेविड,
अब बोलिंग की यूनिट बात कर लेते हैं। पीयूष चावला और श्रेयस गोपाल को मैंने स्पिन ऑप्शन में लिया है, ठीक है, और टिम डेविड भी कहीं ना कहीं स्पिन तो करवा ही लेते हैं अपनी। फिर आते हैं मेरे पास जसप्रीत बुमराह, जेराल्ड क्विटजर और आकाश माधवन, ये रहेंगे मेरी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11, काफी दमदार है दिखने में। क्या हैदराबाद की प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूँ तो हैदराबाद की प्लेइंग 11 के अंदर ओपन कर लेंगे आपके ट्रेविस हेड एंड मयंक अग्रवाल। बहुत लोग बोलेंगे ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा, बट मैं पर्सनली जाऊंगा मयंक अग्रवाल की तरफ, क्योंकि मयंक अग्रवाल एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो आपको ऑन द बोर्ड देते हैं उस तरह की परफॉर्मेंस, फील्डिंग भी अच्छी है उनकी। अभिषेक शर्मा के हाँ वो ऑलराउंडर वाला कोटा रहता है कि भी अभिषेक शर्मा आपको एक बॉलिंग से भी दे देंगे, बट मेरा थोड़ा फेवरेटिज्म फैक्टर है मयंक अग्रवाल की जगह। बट टीम की अगर सोच देखी जाए तो अभिषेक शर्मा हो सकते हैं ओपनर ट्रेविस हेड के साथ। बाकी नंबर 3 पे बात करो तो नंबर 3 पे आ जाएंगे राहुल त्रिपाठी, नंबर 4 पे आ जाएंगे एडन मार्करम इनके कैप्टन, नंबर 5 पे आ जाएंगे हेनरिक क्लासेन जो इतने बढ़िया प्लेयर हैं अभी, इतनी हाल ही में जिनका फॉर्म जो मैं साउथ अफ्रीका 20 लीग देख रहा हूँ इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं हेनरिक क्लासेन की, अगर परफॉर्मेंस ये बनी रही ना APL के अंदर, अगर रिलीज होते हैं तो बहुत पैसे कमाने वाले हैं बंदे। स्पिनर को जिस तरह से ठोकते हैं, 105 मीटर का सिक्स मारा था अभी साउथ अफ्रीका 20 लीग के अंदर। तो 5वें पे हेनरिक क्लासेन हो गए, नंबर 6 पे आप रख दो अब्दुल समद को, नंबर 7 पे आ जाएंगे आपके पैट कमिंस, नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 9 पे भुवनेश्वर कुमार, 10 नंबर पे उमरान मलिक और 11वें नंबर पे आप रख सकते हो टी नटराजन को स्लैश मयंक मार्कंडे भी, अगर आपको कोई स्पिनर चाहिए तो, और इंपैक्ट प्लेयर के अंदर आप फिर नटराजन को डाल सकते हो। ये आपकी वैसे बहुत बढ़िया टीम है हैदराबाद की। हैदराबाद की टीम ऐसी है कि 11 आप हाथों हाथ नहीं बना सकते, हैदराबाद की टीम के अंदर है कि 2 प्लेइंग 11 बन जाए इस स्क्वाड से, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स है, बट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो तो निकल के आती है ही नहीं, वो तो हमने देख लिया जब से वार्नर छोड़ के गए। गुजरात टाइटंस टीम बड़ी लॉयल्टी के लिए जानी जाती है, अब देखते हैं क्या होता है इसमें। शुभमन गिल, रिद्धिमान साह, साई सुदर्शन को मैं तीसरे नंबर पे लाऊं, पिछली बार की मुझे फाइनल की इनिंग्स याद है विभिन्न की। केन विलियमसन को चौथे नंबर पे रखेंगे, 5वें नंबर पे शाहरुख खान, 6ठे पे मिलर खेल सकते हैं, 5th-6th का वो स्वैप होता रहेगा, उसमें कोई खास पोजिशन नहीं है। फिर आते हैं बोलिंग में, बोलिंग इनकी बड़ी खास है, उमेश यादव को लिया मैंने बोलिंग लाइनअप में, फिर एक नाम स्पेंसर जॉनसन का लिया है। स्पेंसर जॉनसन निकल के तो बड़े अच्छे खासे विकल्प आ रहे हैं, पर एक बार देखते हैं क्या होता है। राशिद खान को लिया है मैंने स्टीम प्लेइंग 11 में, मोहित शर्मा और मोहम्मद शमी, और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं इस टीम में राहुल तेवतिया। टीम काफी अच्छी दिख रही है, और ये तीन जो चार जो पेसर की तिकड़ी है, उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन, मोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, घायल करने वाली है। तो गाइज ये थी मेरी प्लेइंग 11, आप निशांत अपनी प्लेइंग 11 बताइए। कोलकाता के अगर ओपनर्स आप देखो तो रहमानुल्लाह गुरबाज आपके ओपन करेंगे वैनकी एयर के साथ, तीसरे नंबर पे श्रेयस अय्यर इनके कैप्टन, नंबर 4 पे नितेश राणा, नंबर 5 पे रिंकू सिंह, नंबर 6 पे आंद्रे रसल, नंबर 7 पे सुनील नारायण, नंबर 8 पे मनदीप सिंह को मैं रखना चाहूँगा, नंबर 8 पे थोड़ा नीचे हो जाएगा मैं उनको ऊपर भेजना चाहूँगा, नंबर 5 और नंबर 6 पे इनको मैं भेजना चाहूँगा रमनदीप सिंह को, और फिर नीचे आंद्रे रसल और सुनील नारायण आ जाएंगे, और 9वें नंबर पे आ जाएंगे आपके मिचेल स्टार्क जिनको आपने इतना पैसा दे के लिया है, तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस करते हैं विद द बैट नहीं विद द बॉल। और बाकी के जो आपके 2 प्लेयर्स बच रहे हैं तो वरुण चक्रवर्ती, और लास्ट आप ले लो हर्षित राणा को, और आप इंपैक्ट प्लेयर के अंदर डाल सकते हो सुयाश शर्मा को जो बहुत ही बढ़िया स्पिनर आपको निकल के दिख सकते हैं ईडन गार्डन्स के पिच पे। तो ये आपकी बढ़िया प्लेइंग 11 हो गई, और रसोगुल्ला खाएगी कोलकाता, KKR है तैयार जिस तरह की इनकी प्लेइंग 11 बनी है, और बहुत ही बढ़िया इनका स्क्वाड है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में बहुत ही मतलब उलट फेर हुआ है, और इस साल होगा प्लेइंग 11 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो कोलकाता को क्यों मैं याद कर लेता हूँ, KL राहुल ने जो बोला है अपने ओनर को कि भाई मैं खेलूंगा मिडल ऑर्डर के अंदर, KL राहुल चाहते हैं वो नंबर 4 पे और नंबर 5 पे खेले ताकि अपनी जगह इंडियन टीम के अंदर बना पाए, क्योंकि अभी उनको बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर वो हिस्सा नहीं होंगे। बट मैं जानता हूँ BCCI को KL राहुल को वो लेके आ जाएगी, और आप देख सकते हो KL राहुल आपको खेलते हुए देखेंगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर। चलो IPL की बात है, T20 वर्ल्ड कप को नहीं घुसाते, अगर लखनऊ की प्लेइंग 11 की बात करें तो क्वेंटन डीकॉक एंड देवदत्त पडिक्कुल ओपन करेंगे, ये इनकी सोच थी कि भाई KL को मिडल ऑर्डर के अंदर खिलाएंगे, ये तक इनकी परफॉर्मेंस निकल के आया था कि पावर प्ले के अंदर कोई भी मेडन ओवर ना जाए। तो डीकॉक एंड पडिक्कुल ओपन करेंगे, नंबर 3 पे आ जाएंगे दीपक हुड्डा, नंबर 4 पे निकोलस पूरन, नंबर 5 पे KL राहुल, नंबर 6 पे मार्कस स्टोइनिस, 7वें पे आपके आ जाएंगे आयुष बदोनी को आप खिला सकते हो,
अगर आप नंबर 7 पे आयुष बधोनी को खिलाना चाह रहे हो तो नीतू और कृणाल पांड्या भी होंगे नंबर 7 पे। हाँ, फिर नंबर 8 पे आपके आ जाएंगे यश ठाकुर, नंबर 9 पे आ जाएंगे आपके रवि बिश्नोई, 10वें नंबर पे आपके आ जाएंगे मार्क वुड और 11वें नंबर पे आप देख सकते हो मोहसिन खान को। इम्पैक्ट प्लेयर की आप बात करो तो आयुष बधोनी डेफिनेटली होंगे, क्योंकि इनको एक बैट्समैन और चाहिए उतना जो मैच फिनिश कर सके, तो मेरे हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर के अंदर आयुष बधोनी होंगे।